तो आज हम करेंगे सैमसंग A51 का कॉम्बो चेंज। तो टेक्निकल शेरू भाई चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हटा लेते हैं इसका कवर, यानी कि इसकी चड्डी पीछे की। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी सिम ट्रे। अब करेंगे इसका पीछे का बैक पैनल ओपन। तो हमने किसी के फेफड़े, तो इसमें से करेंगे थोड़ी सी कटिंग, फिर उतारेंगे इसका पीछे का ढक्कन। तो ये हमने थोड़ी सी कटिंग कर ली है, फेफड़ों को रख देते साइड में। और हमारे को यहाँ से इसमें हल्का हल्का सा करके डालना है, प्यार से उतारना है पीछे के ढक्कन को। क्योंकि नीचे शायद नेटवर्क की स्ट्रिप होती है और ऊपर वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए स्ट्रिप होती है। प्यार से उतारना है हमारे को ढक्कन को। प्यार से हौले हौले करके ही उतारना है। तो ये ढक्कन हमने उतार लिया है एकदम साबुत। इसकी टेप हटा देते हैं, नेटवर्क की स्ट्रिपों का ढक्कन हमने निकाल लिया साबुत एकदम। इस पर थोड़ी सी टेप लगी हुई है, उसको हटा लेंगे। तो ये देखिए स्ट्रिप हमारी सही पूरी सब एकदम ओके। तो अब इसको खोल लेते हैं। ओहो, पेचकस हमने बड़ा वाला ले लिया, ये तो लाइट वाला पेचकस है। तो ये लिया हमने प्लस का एक पेचकस, मोबाइल वाला बिल्कुल छोटा। तो सारे पेज इसके हम खोल लेंगे, सारे इसके पेज खोल लिए हैं। तो अब हटा लेते हैं इसका, खोल लेते हैं इसको। और खोलना हमारे को यहीं से ही है, सिम ट्रे के पास में से। नीचे से ना खोलें, ऊपर की तरफ से बहुत इजीली खुल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से खुल गया है, और ये भी प्लास्टिक में ही है। तो यहां एक पेज दिया हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। बैटरी का कनेक्टर अलग कर देते हैं, मेन पत्ता अलग कर देते हैं इसका। डिस्प्ले का पत्ता भी अलग कर देते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को भी निकाल लेंगे हम। निकालना हमारे को बड़े प्यार से ही है, कोई भी कनेक्टर को निकालना है तो ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। नहीं तो ये देखिए, ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब हटा लेते इसके नीचे की चार्जिंग वाली पीसीबी। पहले हटा लेते नेटवर्क का वायर। प्यार से ही निकालें इसको भी, और नीचे वाली पीसीबी को हमारे को भी बड़े प्यार से ही निकालना है। तो ये देखिए पीसीबी भी निकल गई हमारी। ऊपर से भी वायर को निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए नेटवर्क का वायर भी हमने निकाल लिया है। अब निकाल लेते हैं इसका मदरबोर्ड।
तो ये देखिए मदरबोर्ड भी हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे इसके बैटरी। बैटरी निकालने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है, बैटरी कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ लिया हमने थोड़ा सा पेट्रोल, तो पहले इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे यहाँ कि जिससे गम हमारा थोड़ा सा सॉफ्टनेस से आ जाए, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब लिया मैंने एक टेस्टर, हल्का सा टेस्टर की सहायता से इसको उठा लेंगे और ये स्टीप को अंदर डालेंगे इसमें। ज़्यादा नुकीली चीज़ नहीं लगानी हमारे को, नहीं तो बैटरी में से धुआं निकल जाएगा। और कॉम्बो भी टूट सकता है, इसका कॉम्बो तो ख़राब है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इजी तरीका है निकालने का। यदि जिसका कॉम्बो सही होगा तो इसका यही तरीका है निकालने का। ये देखिए ये चला गया इसमें, अभी बिल्कुल इजी से निकल जाएगा बैटरी हमारी। इसमें से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल हमारे को करके डालना है इसमें। बैटरी बड़ी प्यार से उतारनी है हमारे को, ये देखिए। और पत्ते का थोड़ा सा खास करके ध्यान रखें कि कट नहीं जावे। तो ये देखिए पूरी चली गई है और ये देखिए बैटरी हमारी बिल्कुल आसान तरीके से निकल गई है। ये देखिए कॉम्बो में पेट्रोल जाएगा तो कुछ नहीं होगा इसमें, बस फिंगरप्रिंट के यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो पेट्रोल थोड़ा खास करके कम ही डालें। ये देखिए बिल्कुल आसानी से उतर गई है, तो इसको रख देते अब साइड में। अब लगाएंगे इसमें नया कॉम्बो। ये लिया हमने विथ फ्रेम पूरा कॉम्बो और ये है इसका पुराना कॉम्बो। इसमें बैटरी हमने निकाल दी, तो सबसे पहले बैटरी को हम चिपका लेंगे। बैटरी हमने लगा दी, डबल टेप लगा के चिपका दिए इसमें। अब लगाएंगे इसका मदरबोर्ड। पेट्रोल के हाथ कैमरे पे नहीं लगे ये ध्यान रखना, नहीं तो कैमरा खराब हो सकता है, इस बात का खास करके ध्यान रखें। रिंगर भी लगा दिया, वाइब्रेटर भी लगा दिया हमने। अब लगा देते इसका पेच। तो इसको कस देते हैं। अब लगा देते इसका नेटवर्क का वायर। अब लगा देते नीचे की चार्जिंग वाली पीसीबी। अब लगा देते बैटरी कनेक्टर। अब लगा देते इसका मेन पत्ता। कनेक्टर बिल्कुल प्यार से ही लगाने हैं हमारे को, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है उसमें। ये देखिए लग गया। अब देखते हैं इसको पहले चालू करके, अब कर लेते हैं इसको चालू चिमटी की सहायता से। तो ये ऑन हो गया है, ये देखिए
ये ओरिजिनल कॉम्बो है सैमसंग का A51 का। ये मार्केट में करीबन मिल जाएगा आपको 6-6.5 हज़ार रुपये में। अब लगा देते हैं इसका फिंगरप्रिंट, सेंसर। इसमें दो पेज दिए थे उनको कस देते हैं। पेच हमारे को ज़्यादा नहीं कसने, इस बात कर का खास करके ध्यान रखें आप। लगा देते इसका कनेक्टर, तो देखिए चालू हो गया है। अब लगा देते इसकी साइड वाली, नीचे से लगावे, नीचे का नेटवर्क का वायर रह गया हमारा लगाना, इसको भी लगा देते हैं। यहीं से लगानी है हमारे को। पहले कर देते इसको एक बार लॉक। वो ये पेच है यहाँ पे, अब लगाते हैं इसको और लॉक कर देंगे। देखिए हमने लगा दिए पूरी, अब कस देंगे इसके पेच सारे जितने भी हैं, एक एक करके हम सारे पेच इसके कस देंगे। तो हमने सारे पेच इसमें लगा दिए हैं, अब लगाएंगे पीछे के ढक्कन के डबल टेप, फिर इसको हम चिपकाएंगे। तो इसकी कटिंग कर करके हम डबल टेप लगा लेंगे इस पर। चाहे तो आप इसको ग्लू से भी चिपका सकते हैं, मैं डबल टेप से चिपकाऊंगा। बिल्कुल पतली वाली डबल टेप है। तो ये डबल टेप हमने लगा दी है, इसको उतार लेंगे। और इसको अब चिपका देंगे हम कैमरे के ग्लास पे, देख लेंगे डस्ट तो नहीं है। देखिए ये फोन हमारा रेडी हो चुका है एकदम। तो अब लगा देंगे इसकी सिम ट्रे, अब लगा देंगे इसका कवर,
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।